हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रेलवे कंपटीशन तैयारी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान पुलिस का एग्जाम आपके कब तक हो सकता है। वीडियो को अंत तक देखने के बाद ही आप कमेंट करें कि आपको क्या लगता है कि एग्जाम इसी दिन होगा, इसी महीने में होगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपको मैं बताने वाला प्रूफ के साथ एग्जाम कब तक हो सकता है और तैयारी कैसे करें तो भी मैं आपको बताने वाला, तो वीडियो को अंत तक देखना आपको, फिर बाद में आपको कमेंट करना है, लाइक करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको तैयारी कैसे करनी है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मैं आपके लिए PDF तैयार कर रहा हूँ, ये राजस्थान में जो जीके में 50% पूछे गए हैं, ये आप देख पा रहे हैं, ये मैं जल्द ही आपके क्लास से लेने वाला हूँ। मैं आपके लिए PDF तैयार कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो पिछली बार पूछे गए राजस्थान पुलिस में, देख लीजिए 50 क्वेश्चन है। तो आप तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, PDF और लेना चाहते हैं, डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं आपको व्हाट्सअप का ग्रुप बना रहा हूँ, वो राजस्थान पुलिस के नाम से आप जुड़ जाइएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और टेलीग्राम ग्रुप का भी मैं लिंक दे दूंगा ताकि वहाँ से भी आप जुड़ जाइए। तो देख लीजिए APD बोर्ड, आपको बता दें तो 75 क्वेश्चन है, 75 क्वेश्चन है, 75 आप देख लीजिए, इसमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ऐसे मैं आपको जल्द ही क्लासेस लगाने वाला हूँ। तो पहले मैं आपके लिए कंटेंट PDF बना रहा हूँ, यहाँ पर सर्च कर करके आपके लिए क्वेश्चन बना रहा हूँ, तो आप वेट करिए, चैनल के साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर जुड़ें। तो अब करते हैं हम काम की बात कि राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। तो आपको पता है कि राजस्थान पुलिस की अंतिम डेट बढ़ा दी गई है, 18 जनवरी को ये ऑफिशियल अपडेट आया था, जो नोटिस आया था, न्यू नोटिफिकेशन, आपके कांस्टेबल भर्ती 2019 संशोधित विज्ञप्ति आई थी, आपको सबको पता होगा, देख लिया होगा। तो यहाँ पर क्लियरली लिखा गया है कि भर्ती आवेदन करने की अंतिम तिथि में वृद्धि कर आवेदन हेतु अंतिम दिनांक आपके 10 फरवरी 2020 कर दिया है। तो आपको पता है कि पहले जो वैकेंसी आई 4 दिसंबर, उसमें स्पष्ट लिखा गया कि आपका एग्ज़ाम फरवरी और मार्च में होने वाला है, उसमें लिखा गया, वो मैं आपको बोल रहा हूँ कि फरवरी और मार्च में आपका एग्ज़ाम हो सकता है, लेकिन आप देख पा रहे लास्ट डेट ये आपके 10 फरवरी 2020 में है, तो फरवरी में तो आपका एग्ज़ाम हो ही नहीं सकता। 10 फरवरी आपके लास्ट डेट है, आपने देख लिया उस PDF में, उस ऑफिशियल नोटिस में। और आज की लेटेस्ट अपडेट आपको पता है आई थी, डियर कैंडिडेट एप्लीकेशन एडिट एप्लीकेशन फैसिलिटी फॉर पुलिस कांस्टेबल 2019 रिक्रूटमेंट सेल स्टार्ट आफ्टर 10 फरवरी 2020। तो आपको पता है कि कोई कैंडिडेट होता है जो फॉर्म भरते समय गलती कर देता है, तो आपको पता है कि 10 फरवरी लास्ट डेट है। 10 फरवरी के बाद एक ऐसा लिंक आएगा, वो 15 दिन तक काम करेगा, मतलब 25 फरवरी तक काम करेगा वो, उसमें उसके बीच में आपने यदि आप फॉर्म में एडिट करना चाहते हैं, फॉर्म में गलती कर दी, किसी नाम, किसी के पिता के नाम है, एड्रेस में, कोई भी प्रकार की, तो आप वहाँ पर कर सकते हैं संशोधन। तो आप देख लीजिए कि 25 फरवरी तक वो लिंक काम करेगा, यानी 25 फरवरी तक तो आपके सिर्फ फॉर्म भरने की प्रक्रिया होगी। तो कैसे होगा आपके फरवरी में एग्ज़ाम, तो 4 दिसंबर जो नोटिस आया उसमें फरवरी का एग्ज़ाम लिखा, वो तो आपके गलत हो गया है, यानी 25 फरवरी तक, लगभग फरवरी मान लीजिए कि 25 फरवरी तक आपके सिर्फ फॉर्म भरने, फॉर्म को एडिट करने का आपके चलने वाला है सिस्टम। ये आपको पता है कि मैंने वीडियो भी बनाया, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप देख लेंगे, तो नोटिफिकेशन में आप देखें तो यहाँ पर 2 आपको आ रहा है, क्योंकि अब 27/1/2020 से फॉर्म 27 तारीख से फॉर्म स्टार्ट है और 10 तारीख तक चलने वाला है, तो ये मैंने वीडियो बना दिया, आपने देख लिया होगा। तो आपने ये भी देख लिया कि 25 फरवरी यानी पूरा फरवरी तक आपके फॉर्म का प्रोसेस चलने वाला है। अब बात करते हैं कि उसमें लिखा कि मार्च में एग्ज़ाम होगा, तो आप बताइए कि कैसे पॉसिबल है कि 1 महीने के अंदर आपके एग्ज़ाम हो जाए। ऐसा राजस्थान में कोई भी एग्ज़ाम नहीं है जो आपके फॉर्म भरने के 3 मंथ बाद हो गया। तो देख लीजिए फरवरी में तो आपके फॉर्म की प्रक्रिया चलेगी, फिर मार्च, अप्रैल, मई, इन 3 महीने में होगा क्या कि किस कैंडिडेट ने फॉर्म भरा है, उनका चेकिंग किया जाएगा कि किसका फॉर्म एक्सेप्ट है, किसका रिजेक्ट है, किसने साइन सही किया, किसने फ़ोटो सही लगवाई, एडिट करने के बाद मैं बात कर रहा हूँ। तो मार्च अप्रैल मई में ये फॉर्म चेक करने का प्रोसेस चलेगा, उसके बाद आपके किस कैंडिडेट को कहाँ सेंटर देना है, कब एग्ज़ाम होगा उस कैंडिडेट का, तो ये भी आपको पता है कि टाइम लगता है। तो राजस्थान का ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जैसे 3 महीने पहले एग्ज़ाम हो गया फॉर्म भरने के बाद, हम मान लेते हैं कि 3 महीने बाद एग्ज़ाम हो जाएगा, तो फरवरी तक आपके फॉर्म की प्रक्रिया चलेगी, फरवरी के बाद मार्च अप्रैल मई, तो
तो आपके मार्च अप्रैल मई तो एग्ज़ाम कोई भी चांसेस नहीं है कि एग्ज़ाम होगा। आप खुद बता दीजिए कि 3 महीने पहले वो एग्ज़ाम हो गया था फॉर्म भरने के 3 महीने बाद। मैं आपको ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप तैयारी मत, तैयारी ऐसे करिए कि जैसे मार्च में एग्ज़ाम हो। तैयारी को आपको जितनी आप ज़्यादा करोगे उतना आपको फ़ायदा है, और एग्ज़ाम जितना लेट होगा 3-4 महीने, ज़्यादा लेट नहीं, साल भर 3-4 महीने बाद लेट होगा, तो आपको फ़ायदा है कि आपको तैयारी में करने में समय मिल जाएगा। क्योंकि तैयारी राजस्थान पुलिस में बहुत लंबा चौड़ा कोर्स है, जितनी प्रैक्टिस ज़्यादा होती है उतना आपको पेपर हल करने में आसानी होती है। तो ये आपको मैं बता देता हूँ कि फरवरी तक तो आपके फॉर्म की प्रक्रिया चलेगी। फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, इन महीनों में आपके फॉर्म चेकिंग होगी किस कैंडिडेट को कहाँ सेंटर देगा। मार्च अप्रैल मई में एग्ज़ाम होना नहीं है। एग्ज़ाम की आपको एक्सपेक्टेड बताऊं तो जून में एग्ज़ाम हो सकता है आपके, मई लास्ट में या जून फर्स्ट वीक में आपके एग्ज़ाम हो सकता है। जून के बाद भी हो सकता है, लेकिन जून हम मान रहे हैं जून से पहले एग्ज़ाम नहीं होने वाला। तो आपको वीडियो कैसा लगा, कैसा मैंने एक्सप्लेन किया आपको एक एक डिटेल, एक एक पॉइंट के साथ। और कोई एग्ज़ाम हुआ है आप बोल रहे हो कि पहले होगा, तो आप बताइए क्यों होगा और किस एग्ज़ाम का है वो, किस भर्ती का एग्ज़ाम 3 महीने बाद हो गया था। तो यही था आपको बताना था आपको, आप कमेंट कर रहे थे बहुत ज़्यादा कि एग्ज़ाम कब तक तो हो सकता है। तो ये आपके जून में, आपके मई लास्ट या जून फर्स्ट में आपके एग्ज़ाम होने हैं। उसके लास्ट वैसे और तैयारी करनी है तो चैनल के साथ जुड़ जुड़े, आपको अच्छा अच्छा कंटेंट मिलने वाला है राजस्थान पुलिस का जो प्रीवियस ईयर में आए हैं। तो यही था वीडियो, वीडियो का अच्छा लगा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और व्हाट्सअप टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर जुड़ जाएँ।